نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضر المحترم آئیے ہم اور آپ نبی کائنات فخر دو عالم رحمت عالم نور مجسم سید کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانہ خدمت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معنی الجود والکرم والی کرام اجمعین. حاضرین باوقار، آج 15 شوال مکرم جمعہ رات کی وہ ساعت ہے جس میں دنیا کے اندر بے شمار واقعات وجود پذیر ہوئے، مگر بالخصوص 15 شوال المکرم کو مدینہ منورہ کی سرزمین پر جو ایک عظیم واقعہ رونما ہوا اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے. آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ مشرکین عرب بالخصوص کفار مکہ نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا اور ہر طرح سے وہ مسلمانوں کی ایذا رسانی کے لیے کوشش کرتے تھے، جس کے نتیجے میں سن 2 ہجری رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر میں کفار قریش کا غرور و گھمنڈ خاک میں مل گیا اور بڑے بڑے سردار جہنم رسید کیے گئے. جنگ بدر میں ہی ابو جہل جیسا شقی القلب اور نہ جانے کتنے متکبر اور ظالم و جابر کفار و مشرکین موت کے گھاٹ اتارے گئے. جنگ بدر میں 70 کفار قتل کیے گئے تھے اور 70 کی تعداد ہی میں گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل کیے گئے تھے ان میں سے بھی اکثر وہ لوگ تھے جو کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار سمجھے جاتے تھے. بڑے بڑے لوگوں کا قتل کیا جانا مشرکین مکہ کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور پورا مکہ گویا ایک طرح سے ماتم کدہ بنا ہوا تھا. اس زمانے میں لوگوں کی عادت تھی کہ اگر کسی بھی قبیلے کا کوئی آدمی قتل کر دیا جاتا تو جب تک مقتول کے لوگ اس سے بدلہ نہیں لے لیتے ان کا جوش انتقام ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. یہ عام حالات تھے، اور بدر میں تو ان کے سرغنہ گروگنڈال اور سپہ سالار کی حیثیت جو رکھتے تھے وہ نیست و نابود کر دیے گئے تھے. اسی لیے قریش اور کفار مکہ کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا گویا ایک تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار رہا. جنگ بدر کے جتنے مقتول ابو جہل وغیرہ کے گھروں کے لوگ جب ان مقتولین کے ماتم سے فارغ ہوئے تو انہوں نے یہ عزم مصمم کر لیا کہ ہم مسلمانوں سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے. چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش
जिनके रिश्तेदार अजीज वकारी बाप बेटे जंगे बद्र में कत्ल कर दिए गए थे, सब ने उस वक्त के सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम अबू सुफियान से जाकर गुजारिश की और कहा कि हम मुसलमानों ने हमें जिस तरह जलील और रुसवा किया है और हमारे सरदारों को जिस तरह उन्होंने कत्ल किया है, हमारा कौमी फरीजा है कि हम मुसलमानों से इसका बदला लें। अबू सुफियान ने जब उनकी बात सुनी तो उसने खुशी का इजहार किया, क्योंकि वो उस वक्त इस्लाम और मुसलमानों का सख्त जानी दुश्मन था। अबू सुफियान ने खुशी का इजहार ही नहीं किया बल्कि जंगे बद्र में जो उसने हालात देख लिए थे उसकी वजह से तैयारी का हुक्म दे दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुसलमानों से लड़ना और उन्हें शिकस्त देना ये कोई आसान काम नहीं है। आदियों और तूफानों का मुकाबला करना तो आसान है, मगर रसूलुल्लाह के वफादारों से और उनके जानिसारों से मुकाबला करना आसान नहीं है। समंदर की मौजों से टकराया जा सकता है, पहाड़ों से भी टकराया जा सकता है, लेकिन रसूल पाक के आशिकों से जंग करना ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्ची वफादार और उनके शहदाई दुनिया की दौलत और इख्तदार के लिए नहीं लड़ते हैं, बल्कि वो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए लड़ते हैं, और जो अल्लाह और रसूल के लिए लड़ता है तो अल्लाह और रसूल कभी उसे जलील और रुसवा नहीं करते हैं। अबू सुफियान ने जंगी ताकत इकट्ठा की और फिर इस तरह से उसने मुसलमानों के खिलाफ मक्के के लोगों को उभारा कि कुफारे मक्का के घर के बच्चे बच्चे खून का बदला नारा लगाते रहे। चुनांचे उन तमाम मुश्रिकीन मक्का ने इकट्ठा होकर इस्लाम और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से खत्म करने का प्लान बनाया और फिर वो मक्के से मदीने तैयबा की तरफ रवाना हो गए। जिस वक्त वो लोग मदीने तैयबा के करीब पहुंचे उहद पहाड़ उनकी निगाहों के सामने था, उसकी खोह में उन्होंने पनाह ली। ये वो पहाड़ है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ के बारे में फरमाया, उहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उहद से मोहब्बत करता हूँ। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर तशरीफ फरमा हुए तो पहाड़ हिलने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदमे नाज उस पर मार करके फरमाया, क्या तू ये नहीं जानता है कि तुझ पर एक नबी इस वक्त जलवा कर है। आपके इस फरमान से फौरन पहाड़ अपनी जगह पर ठहर गया। इसीलिए उस पहाड़ को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निगाह से देखते थे और वो पहाड़ जो इंतहाई अहमियत का हामिल है कुफारे कुरैश ने उसकी खोह में पनाह ली। बारिश वालुल मुकर्रम को कुफारे कुरैश बुध के रोज मकाम उहुद पर पहुंच गए और मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई करने का उन्होंने प्लान बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर पहले ही से मिल चुकी थी, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत सिदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगरचे मक्के मुकर्रमा में कुफारे कुरैश के साथ रहते थे, मगर खुफिया तौर पर उन्होंने जंगे बद्र के वक्त ही इस्लाम कबूल कर लिया था। आपने जब कुफारे मक्का की सरगर्मियों को देखा
और आपने जब ये मुशाहिदा फरमाया कि कुफारी कुरैश पूरी जंगी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुफिया तौर पर एक खत के जरिया आपको मुतला फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खौफनाक खबर मिली तो आपने बाद सहाबे किराम को हालात का जायजा लेने के लिए रवाना फरमाया। जब ये हजरात कुफारे कुरैश के लश्करी जर्रात का हाल मालूम करने के लिए मदीने तैयबा से रवाना हुए तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो मदीने मुनव्वरा से बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये हैरान हम खबर सहाबे किराम ने रसूल पाक को सुनाई और उन्हें अर्ज किया, रसूलल्लाह अबू सुफियान का लश्कर मदीना के बिल्कुल करीब आ गया है और उनके पास घोड़ों की तादाद इस कसरत से है कि मदीने तैयबा की चरागाह की तमाम हासें उनके घोड़े और उनके ऊंट चर चुके हैं। कुफारे मक्का 3,000 लश्कर जर्रार लेकर मैदान में उतरे थे और सहाबे किराम कुल 700 की तादाद में थे। एक तरफ 700 मुजाहिदीन इस्लाम अल्लाह और रसूल के वफादार और जानिसार कलमे तौहीद और रिसालत बुलंद करने वाले जांबाज मुजाहिदीन थे और उधर कुफार और मुशरिकीन 3,000 की तादाद में थे। उन 3,000 मुशरिकीन ने यह इरादा किया था कि हम कलमे तौहीद को खत्म कर देंगे, अजान की आवाज को हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे, पैगंबर इस्लाम का खात्मा कर देंगे, उनके नाम लेवाओं का वजूद खत्म कर देंगे। मगर कुरान पाक फरमाता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल ही फरमाएगा, मुकम्मल फरमा देगा। अगर जो कुफार और मुशरिकीन को ये नापसंद हो, अगर जो वो ये चाह रहे हो कि नूर इस्लाम खत्म हो जाए, शमय इस्लाम बुझ जाए, खुर्शीद इस्लाम में कहन लग जाए, लेकिन नूर हम शमय इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खबर सुनी जुमेरात के दिन 14 शवाल मुकर्रम को, आपने हजरत साद बिन मुआज और हजरत उसैद बिन हुज़ैर और हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को हथियार लेकर निगहबानी के लिए मुतय्यन फरमा दिया। चुनांचे ये सहाबा रात भर काशाने नबुव्वत की निगरानी फरमाते रहे और मदीने तैयबा के इर्द गिर्द इन हजरात ने गश्त लगाना शुरू कर दिया। सुबह को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को जमा फरमाकर मशवरा तलब किया कि शहर के अंदर रहकर दुश्मनों का मुकाबला किया जाए या शहर से बाहर। बिल आखिर शहर से बाहर निकलने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया और सहाबे किराम मदीने तैयबा से उहुद की तरफ निकल पड़े और फिर 15वीं शव्वाल मुकर्रम बरोज सनीचर मैदान उहुद में कुफार और मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान जंग अजीम हुई। ऐसी जंग और घमसान की लड़ाई के कुफारे मक्का अपने सरदारों का बदला लेने के लिए बेचैन और बेकरार थे और नहायत जाबाजी से उन लोगों ने उस जंग में अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया। ये घमसान की जंग इतनी शदीद थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक इसी गजबे में शहीद हुआ।
कुफारे मक्का ने ये खबर उड़ा दी कि मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दिया गया माअज अल्लाह रब्बिल आलमीन। और उस वक्त मुसलमान निहायत आजिज़ी और इंकिसारी और बज़ाहिर मजबूरी की हालत में थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई। इसी जंग में हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुहतरम हैं, इसी जंग में आप शहीद हुए। और फिर आपके कलेजे को कच्चा चबाने का काम हिंद एक खातून ने किया जो अबू सुफियान की बीवी थी। अगर जी ये सारे हजरात अबू सुफियान हिंद और भी बहुत सारे दुश्मनान इस्लाम बाद में मुसलमान हो गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आम मुआफी का ऐलान फरमा दिया, लेकिन हजरत हिंद से जो अजियत पहुंची थी जमाने जाहिलियत में, उस बिना पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि आप जब मेरे सामने कभी आ जाती हो तो मेरे प्यारे चचा मुझे याद आ जाते हैं, इसलिए आप सामने न आया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु और बहुत से जाबाज सहाबा इस जंग में शहीद हुए, बल्कि तारीख में उन की तादाद भी मुतय्यन कर दी गई है और बताया गया है इस घमसान की जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद सदमा पहुंचा, रंज पहुंचा, इसलिए कि आपके प्यारे चचा हजरत हमजा इसी जंग में शहीद हुए। 70 सहाबे किराम ने जामे शहादत नौश फरमाया था, जिनमें 4 मुहाजिर हजरात थे और बाकी सब कबीले अंसार से ताल्लुक रखते थे। और 30 कुफारे मक्का निहायत जिल्लत और रुसवाई के साथ कत्ल किए गए। आज 15 शव्वाल मुकर्रम है, जंगे उहुद में जिन सहाबे किराम ने जामे शहादत नौश किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी प्यारी जान को कुर्बान किया इस्लाम और मुसलमानों के तहफ्फुज़ के लिए, इसकी सरबुलंदी के लिए, उन हजरात ने जो अपनी प्यारी जान को पेश किया, हम अहले ईमान का अखलाकी फरीजा है कि उनकी बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोदाए उहुद की कब्रों की ज्यारत के लिए तशरीफ ले जाते थे। आपके बाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी यही अमल रहा। दीगर खुलफाए किराम भी इसी रविश पर कायम रहे। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोदाए उहुद की कब्रों पर तशरीफ ले गए तो इरशाद फरमाया, या अल्लाह, तेरा रसूल गवाह है कि इस जमात ने तेरी रजा की तलब में जान दी है। गोया शहदाए उहुद के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये अल्लाह की बारगाह में शहादत दी कि इन्होंने दुनिया की तलब में अपनी जान नहीं दी है, बल्कि ये तेरे महबूब की और तेरी रजा हासिल करने के लिए इन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि कयामत तक जो मुसलमान भी शहीदों की कब्रों पर ज़ियारत के लिए आएगा और उनको सलाम करेगा तो ये शुहदाए किराम उसके सलाम का जवाब देंगे। अल्लाह अकबर। गोया शुहदाए उहुद का रुतबा इतना बुलंद है, वो इतने अजीम हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इखलास की शहादत दी है कि इन्होंने खलूस और मोहब्बत खुदा व मोहब्बत नबी में अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया है।
और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये शहादत दी कि ये बज़ाहिर शहीद हो चुके हैं, बज़ाहिर इनके जिस्म से रूह निकल चुकी है, इनका सर कट चुका है, मगर रब्बे कायनात ने इनको ये ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि जो इनकी बारगाह में सलाम पेश करेगा तो ये उनके सलाम का जवाब है। इससे मालूम हुआ कि शुहदाए किराम की कब्रों पर जाना ये बिदअत और नाजायज नहीं है, बल्कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये भी मालूम हुआ कि शुहदाए किराम अपने सलाम करने वालों का जवाब भी देते हैं, उनको सुनते भी हैं। जब शहदाए किराम की ये शान है कि वो सलाम करने वालों का सलाम सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं, तो भला सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाज और उनकी हयात का कौन मुनकिर हो सकता है और उसका अंदाजा कौन लगा सकता है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु कसम खा करके फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको शहदाए उहुद और जुमला शहदाए इस्लाम की फैज़ो बरकात से माला माल फरमाए और हमें भी इस्लाम और सुन्नियत के लिए अपनी जानों को और अपने वक्तों को और अपने इल्म को लगाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना।